हैं आप लोग। तो चलिए आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो पहले डेटा की ओर नज़र डाल लेते हैं। मेरे हिसाब से FII DII का डेटा आ गया होगा। हाँ जी, आ गया है। देख लीजिए आप, ट्यूसडे का 1 अगस्त का डेटा है। डेटा आज फिर से चेंज हुआ है, बेयरिश साइड पे हुआ है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बेयरिश जो अपनी पुट्स वाली जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बड़ी है, और ओवरऑल जो इंडेक्स में जो काम हुआ है वो बेयर्स एंड बुल्स दोनों ही एक तरीके से भागे हैं थोड़े से। मतलब किसी चीज़ का या तो न्यूज़ का वेट हो रहा है या कुछ है, वो किसी चीज़ में थोड़े से भागे हैं। और आप देख सकते हैं कि बाइंग भी ऐसे कुछ खास नहीं रही है, थोड़ा सा बेयरिश साइड ही रहे हैं। तो और कैश में आप देख सकते हैं कि जैसे 93 करोड़ का फिर भी सेल ही किया है FIIs ने, DIIs ने 1000 करोड़ का खरीदारी करी। आप देख सकते हैं DIIs लगातार 5-6 दिनों से खरीदारी करे जा रहे हैं और लगातार 4 दिनों से FIIs सेल करे जा रहे हैं। तो चलिए अब ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं एक बारी। तो ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि बेयरिश साइड है। PCR भी 0.8 हो गया है। लाल कैंडल्स आप देख सकते हैं बहुत ऊपर जाती हुई लाल बार्स। तो ये PCR अगर आप एक्चुअल में देखें तो 0.76 है, जो कि बेयरिश होता है। तो ये एक बेयरिश साइन है। और कल का अभी मुझे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग लग रही है, क्योंकि मुझे डाउ जोन्स भी वीक लग रहा है और बाकी चीज़ें भी वीक ही लग रही हैं। आप देख सकते हैं आज अपनी ओपनिंग हुई, ओपनिंग मैंने कहा था हमारे इस लेवल के आसपास होगी। हमारा फर्स्ट टारगेट या फर्स्ट टारगेट के आसपास अपनी ओपनिंग हुई, सेकंड टारगेट के आसपास हमारा उसने रिट्रेसमेंट लिया, और कल का हमारा जो ओपनिंग था वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करके हमारे नीचे साइड का फर्स्ट टारगेट अचीव किया एंड देन उसी रेंज में रह गया। तो हमारे वही टारगेट्स अभी भी एक्टिवेटेड रहेंगे, अभी भी एक्टिवेटेड रहेंगे। कल यहाँ कहीं ओपनिंग हो सकती है बैंक निफ्टी की फ्लैट या फिर यहाँ कहीं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिता सकता है एंड देन एक फॉल आ सकता है। तो ये फॉल रहेगा 45,421 तक का, फिर यहाँ पे थोड़ी सी देर टाइम पास करके एंड देन फाइनल फॉल यहाँ तक आ सकता है, जो कि है देख लेते हैं इसको लगभग 45,300 के आसपास का। आज की क्लोजिंग है 45,600 के आसपास की, 45,300 तक कल मार्केट आ सकते हैं, देन एक बाउंस बैक ले सकता है। तो ये 15 मिनट के इसको टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया एंड देन नीचे आया, हमारे फर्स्ट टारगेट पर कंसोलिडेट किया, नीचे वाले टारगेट को अचीव किया एंड देन एक रेंज में घूमा। काफ़ी देर एक रेंज में घूमता है तो बहुत अच्छी बात होती है, डेटा बेयरिश है। और आप देख सकते हैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी भी बेयरिश है और डाउ जोन्स भी अभी है तो फ्लैट ही लेकिन बेयरिश चल रहा है। डाउ जोन्स को भी एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है, बेयरिश ही है। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं इसकी ओपनिंग होगी, ये इसकी ओपनिंग है, थोड़ा सा ऊपर गया फिर ठीक ठाक सा फॉल आया है इसके अंदर। अगर ये इसको सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ कहीं इसकी क्लोजिंग हो सकती है यहाँ पर और नहीं तो यहाँ पर। और अगर नीचे की साइड क्लोजिंग हुई तो हमारा कल गैप डाउन ओपनिंग होगी और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हमारे को देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल्स हमने मार्क किए हैं उसके बाद। निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी ने भी वही काम किया है, गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ा सा ऊपर गया कंसोलिडेट किया और एक रेंज बाउंड जो हमारी रेंज अब हमने बनाई हुई थी कल, नो ट्रेडिंग जोन जो बनाया हुआ था हमने उसी के अंदर वो बनकर रह गया। तो कल मेरे हिसाब से मैं आपको मार्क कर देता हूँ, यहाँ कहीं इस एरिया में ओपनिंग होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आके थोड़ी देर टाइम पास करेगा एंड देन हमारे को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड अगर फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपनिंग होकर डायरेक्ट इसको तोड़ता है तो प्लीज़ रिट्रेसमेंट का रीटेस्ट का वेट करें। जैसे ही यहाँ पर रीटेस्ट लिए तो आप एक यहाँ तक के लेवल्स का वेट कर सकते हैं। तो अब एक स्टॉक की बात कर लेते हैं जो कि आज न्यूज़ में था, आप सबने भी सुना होगा, DLF जो अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और उसके बाद भी अच्छा खासा गिरा। मैंने तो इसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट बुक किया था। इसमें न्यूज़ आई है कि प्रमोटर्स ने इसका लगभग 1000 करोड़ के शेयर्स जो हैं वो बेच दिए हैं थोड़े डिस्काउंटेड रेट्स पे। तो एक ये बेयरिश साइन है, नेगेटिव न्यूज़ है कि प्रमोटर्स, जो कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, मालिक होते हैं कंपनी के, अगर वही अपना स्टेक बेच रहे हैं तो मतलब उनको कंपनी पे कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा सा कम हो रहा है।
कम हो रहा है तो इस वजह से थोड़ा सा फॉल आ सकता है। तो आप इसको कल ये गैप डाउन ओपनिंग होके फर्स्ट टारगेट हमारा ये दे सकता है जो कि है 494 में, 94 के आसपास का। सेकंड टारगेट हो सकता है हमारा 490 एंड थर्ड टारगेट हो सकता है हमारा 485। ये हमारा टारगेट हो सकता है। एंड अगर यहीं कहीं रहता है तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये जोन, तो इसके अंदर भी कल मूवमेंट हो सकता है, लेकिन कल डाउनवर्ड्स मूवमेंट की ज़्यादा उम्मीद है। तो आप DLF पे सुबह नज़र रख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें रोज़ मैं फ्री अपडेट्स डालता हूँ। आज भी मैंने 3 या 4 कॉल्स डाली थी, चारों एक तरीके से जैकपॉट निकली। नहीं नहीं करते हुए भी एक दिन का प्रॉफिट, एक लॉट पे अगर चारों कॉल्स किसी ने ली होती तो 10,000 रुपये से ऊपर का प्रॉफिट था। आप भी हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।